हज़बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये देखिए, ये हमारा ये गमला जो है, ये फूल पौधा जो है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसलिए इसको हम पानी भी नहीं देते क्योंकि इसमें से ये उखाड़ के इसमें दूसरा पौधा लगाएंगे। और इधर ये एलोवेरा है, एलोवेरा को भी काफ़ी दिन हो गए हैं पानी, हम घर पे नहीं थे तो इस वजह से इसको पानी नहीं दिया गया। अभी जैसे ही थोड़ी सी और शाम हो जाती है तो फिर इसको पानी देंगे। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये ग्रोथिंग इसकी काफ़ी अच्छे से हो रही है। और पानी सुबह शाम दें तो तभी, क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए बहुत जल्द पौधे जो है वो ड्राई हो जाते हैं और उनकी ग्रोथिंग जो है वो नहीं हो पाती, इसलिए इसको मैं अभी पानी दूंगी थोड़ी देर में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज मैंने जो है वो चारपाई धोई है, चारपाई धो के तो हमने इधर ड्राई होने के लिए रखी हुई है। तो इसके अलावा आज आप लोगों को पता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कल परसों से ज़्यादा गर्मी है और इस वजह से जो है ना, हाँ मतलब कि जो सूखने वाली चीज़ें हैं वो हम धो रहे हैं, जैसे कि गंदम धोनी है, इंशाल्लाह कल या परसों वो भी धोएंगे। आज तो कुछ मौसम भी इस तरह का बना हुआ है, जैसे आंधी वगैरह आने वाली है, इसलिए आज गंदम जो है वो हमने नहीं धोई, सिर्फ चारपाई धोई थी और वो भी अब ड्राई हो चुकी है। इसके अलावा जो है बाहर सेहन में बहुत गर्मी है और किचन में तो इससे ज़्यादा गर्मी है, इसलिए तो लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि खाने पकाने का टाइम है, कुकिंग के वक्त किचन में तो फिर जाना ही होता है। और एक मिनट मैं फ्रिज में देख लूँ, दही आटा हमारा ख़राब होने लगा है, इसको सही करके रख दें। मैं फ्रिज रोज़ तकरीबन साफ़ करती हूँ लेकिन वो जो है ना, रोज़ ही बच्चे जो हैं वो गंदी कर देते हैं। तो तरबूज जो है वो आप लोगों को पता है तरबूज का मौसम है तो वो काट के रखा हुआ है, साथ में दही जो है वो हमने रखा हुआ है। दही खाने का टाइम जो है बच्चों का कोई भी हो सकता है, सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने किचन में और किचन की जो है ना वो हमने सफाई की है। आप लोगों को पता है पहले भी मैंने कुछ थोड़े से नीचे से केबन जो है वो साफ़ किए थे, तो आप बच्चों को जो है ना, बच्चे मतलब कि पेपर्स दे रहे थे तो वो इनके एग्ज़ाम्स से जो वो फारग हो चुके हैं और अब उन्होंने थोड़ा से मेरी हेल्प करवाना शुरू कर दिया और किचन के बन जो हैं वो उन्होंने साफ़ किए हैं। और आज मैं कुकिंग क्या कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जनाब हमारा जो मोबाइल है ये एक दो दफ़ा गिरा है नीचे, जिसकी वजह से इसकी स्क्रीन साफ़ नहीं आ रही। इंशाल्लाह कल या परसों जो है ना वो नए मोबाइल की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मिल जाए, तो फिर उससे वीडियो जो है मैं बनाया करूँगी। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो है ना कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं रहती है अगर काम ना करें तो, इस वजह से मैंने जिस तरह भी हो सकता है मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये देखें खिड़की में, पहले मैंने सारे जो है ना नमक मिर्च वाले जो डब्बियाँ हैं वो इधर रखी हुई थी, तो अब ये पेनाडोल की गोलियाँ जो हैं वो इधर पड़ी हुई थी, तो अब मैंने यहाँ से हटा के ना सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर केबन में रख दी हैं। ये देखें ये ऊपर केबन में रखी हैं वो, और कुछ ये ऊपर पड़ी हुई है। और जनाब आज मैं बना रही हूँ काले चने। काले चने जो हैं वो आप लोगों को पता है सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं, स्पेशली गर्मी के मौसम में काले चने जो हैं ना वो ज़रूर हम लोगों को तकरीबन 3-4 दिन बाद जो है ना काले चने विद ग्रेवी जो है ना इनको बनाना चाहिए, हमें खाने चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए ये अच्छे होते हैं, मैदे के लिए भी अच्छे होते हैं। और मतलब ये है कि
इनकी ग्रेवी जो है ना वो स्पेशली इसमें जो आजकल काश्त किया जा रहा है, लहसुन काश्त किया जा रहा है, तो जो फ्रेश चीज़ होती है उसका आप लोगों को पता है कि सेहत पर बहुत मुस्बत असरात जो है वो पड़ते हैं। तो चने जो हैं वो तकरीबन मैंने दो तीन घंटे हो गए हैं तो मैंने इनको भगो के रखा हुआ था। तो अब मैंने इनको ना वेट लगाया हुआ था और वेट लगाने के बाद अब मैंने वेट इनका उतारा है, लेकिन अभी इसमें से पानी खुश्क नहीं हुआ है इसलिए। और जैसे पानी खुश्क हो जाएगा और ये लहसुन प्याज और ये जो है टमाटर वगैरह ये सब कुछ बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर ये हम इसमें ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। साथ ही मैंने वेट लगाने से पहले मैंने नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर दिया था। और याद रहे कि मैं जब भी काले चने बनाती हूँ तो काले चनों में मैं नमक मिर्च जो है वो मामूल से कम रखती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। लाइट नमक मिर्च डाला जाए तो ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने भी नमक मिर्च जो है वो कम डाला है। तो सॉरी एक चीज़ तो मैं भूल गई थी, गरम मसाला जो है वो हमने पीसना था अभी। ये जनाब गरम मसाला हमने पीस के रखा है तो ये दो चम्मच नहीं, चम्मच भी छोटी है, दो चम्मच अगर ये डाले, अगर आप टीस्पून चाय वाला लेते हैं तो फिर जो उससे नमक जो ना क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि वो चम्मच बड़ी होती है। ये मेरे पास लुबियों की चम्मच है और ये छोटी है इसलिए मैंने दो चम्मच डाल दिया। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आटा जो है वो मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया है, जैसे ही हंडिया जो है वो रेडी होती है तो हम आटा रोटियां बना लेंगे। और इधर जो है वो गरम किया हुआ दूध जो है ये फेंकने के लिए रखा हुआ इधर, तो गरम जो दूध किया हुआ था वो मैंने ले जा देचकी में डाल दिया। इसको खाना वगैरह खा के जब हम लोग फारग हो जाते हैं रात को तो फिर हम दूध को जाग लगा देते हैं तो ताकि ये सुबह तक दही जो है वो बन जाए। इसके अलावा ये देखिए ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जुआ, जुआ कहते हैं, सॉरी जुआ पंजाबी में इसको कहते हैं। तो ये ना हमारी भैंस जो है वो ठीक नहीं थी, इसकी सेहत ख़राब हुई हुई थी, इसलिए हम लोग ये लेके आए हैं। और तकरीबन लेके आए थे 10 बजे तो उस वक़्त से हमने तकरीबन 3-4 कप जो है वो उसको पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अभी आप लोगों को पता है कि इस वक्त टाइम है 5 या 5:30 का टाइम है, 6 बजे का, तो इस वक्त दूध धोने का टाइम है, इसलिए दूध धोने से पहले या बाद में वो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो भैंस को दे दी जाती हैं। तो इसके अलावा जो है वो आप लोग उसे इंशाल्लाह डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस जो है वो हम लोग शेयर करते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक मैं बाहर सेन में ना कुछ छोटा सा किचन जो है ना वो बनाने की कोशिश करूँ क्योंकि जो है ना बच्चे छोटे हैं और हेल्पर मेरे पास है नहीं, इस वजह से बाहर जो है ना एक जिस तरह मर्द किचन होता है वो नहीं बना सकती क्योंकि मैं अकेला हूँ बंदा, तो इस वजह से अकेले बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो वैसे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं बाहर सेन में जो है ना वो किचन बनाऊँगी, एक मिट्टी का थोड़ा बहुत जहाँ पे आग वगैरह जलाई जा सके और मोस्टली ये गर्मी के मौसम में जो है ना बाहर बैठ कर खाना बनाया जा सके तो ईजी रहता है। बाहर सेन में थोड़ी बहुत हवा जो है वो लगती रहती है तो इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है मुझे। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।